विभाग की जो छापेमारी हुई आपने देखी और महसूस भी की। किसी भी जांच एजेंसी का स्वागत है, आप आइए जांच करिए, लेकिन इनकी जो मंशा थी हेमंत जी, उस मंशा पर कई प्रश्न जो मैंने डिबेट के प्रारंभ में सवाल उठाया, क्या ये मीडिया की स्वतंत्रता, जनता के हक और हुकूम पर ये हमला नहीं है? मुझे ऐसा है कि ये सवाल अभी आपने उठाया है और मैं उसी रोज ये सवाल मुसलसल उठा रहा हूँ, विस्तार से उठा रहा हूँ, शर्मिंदा भी हूँ सिस्टम पर, चिंतित भी हूँ कि हमारे सभ्य समाज को, हमारे मजबूत लोकतंत्र को आगे इन हालातों का सामना करना पड़ सकता है। और निश्चित रूप से एक पत्रकार होने के नाते 36 साल से इस प्रोफेशन में सक्रिय रूप से संलिप्त होने के कारण, पत्रकारों को नुमाइंदगी करने के कारण भी इस बात की बड़ी चिंता जरूर है कि जनपक्षधर पत्रकारिता क्या लुप्त प्राय करने की कोई योजना है? जनता के लिए जो पत्रकारिता होती है, जनता के सवाल जो उठाए जाते हैं, वही तो अपेक्षित है इस लोकतंत्र में चौथे स्तंभ से। और अगर इसको कोई करता है तो उसके साथ इस तरह कार्रवाई हो, निश्चित रूप से खाली आप कह नहीं रहे हैं, मैं बोल नहीं रहा हूं, लोग सुन नहीं रहे हैं, लोगों की प्रतिक्रिया भी आ रही है। जो चिंता मैं व्यक्त कर रहा हूं वो चिंता लाखों लोग व्यक्त कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश ही नहीं, मैं इलाज के सिलसिले में मुंबई में हूं, यहां भी तमाम वरिष्ठ पत्रकारों से मुलाकात हुई, 50 से अधिक महत्वपूर्ण पत्रकारों से, बड़े प्रकाशनों और प्रसारणों से जुड़े हुए, टीवी चैनल से जुड़े हुए, सब हैरत में, सबको चिंता। भास्कर गुप्त के तमाम पत्रकार मुझे मिले जी, और सुनिएगा, चिंता उनको भी है जिनकी हुकूमत है, उनको भी चिंता जी, जो हुकूमत के ऐसे लोग जो जमीन से जुड़े हैं उनको भी चिंता। और मुझे उम्मीद है, पूरा भरोसा है, ऐसे बहुत से लोगों ने आपको फोन करके सहानुभूति जताने का प्रयास किया होगा या चिंता जताई होगी जी, दावा करता हूं, मुझसे कह चुके हैं लोग। तो एक तो आप तो उत्तर प्रदेश के पत्रकारों के गार्जियन हैं, आप अध्यक्ष हैं हम लोगों के, तो आप अध्यक्ष हैं तो आपसे तो हमें प्रोटेक्शन चाहिए ना, निश्चित रूप से चाहिए, हम तो अपने अध्यक्ष से प्रोटेक्शन मांग सकते हैं, अब आप हमें प्रोटेक्ट करिए। अरे साहब, हम तो, आप जानते हैं मेरा स्वभाव जी, मैं स्वयं जो शब्द आपने कहे वो स्वयं वह भाव वह शब्द मेरा रहता है, मैं भी डरता हूं किसी दिन मेरे ऊपर छापन पड़ जाए, लेकिन बड़ी बेइज्जती होगी मेरे जीवन की, मेरे जैसे व्यक्ति अगर छापा पड़ गया जी, तो करोड़ों लोगों में इतनी बेइज्जती होगी कि ससुर के पास कुछ है ही नहीं है। कोई बात नहीं, हम लोग चंदा करके कुछ रखाएंगे आपके यहाँ, मैं उसकी चिंता नहीं करता, लेकिन जरूर मैं कहता हूं जी कि अगर जो जनपक्षधर पत्रकारिता है, जो जनता की आवाज है, जो गांव गिराव की आवाज है, जो ठेले वाले की आवाज है, जो बीमार की आवाज है और जो जरूरतमंदों की आवाज है, उस आवाज पर आज तक इतिहास में अगर उसका गला घोटने की कोशिश की गई तो उसके नतीजे भी देखने के सामने आए हैं श्रीमान जी। नहीं, नतीजे हमने देखे, राज्यसभा, लोकसभा, गवर्नर आवास, उत्तर प्रदेश के जनता ने जिस प्रकार से हम पर भरोसा जताया, मैं तो आभारी हूं, ऋणी हूं। उनको इस बात का जरूर मलाल होगा कि जनता जब आपको इतना बड़ा मैंडेट देती है, इतना बड़ा आदेश देती है, तो उस आदेश का पालन करना उनकी जिम्मेदारी होती है। एन केन प्रकार ऋण सत्ता में बने रहना या सत्ता के विरुद्ध जनता की आवाज, अगर 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 कुछ गलत हो रहा है पत्रकारिता से क्या अपेक्षा करते हैं? मैं कहता हूं अच्छा राजा वो है जो अपने शासन काल की गलतियों को जो इंगित की जाती है उनसे सीख ले, उनको दुरुस्त करे, उनको सही करे और फिर जाए जनता जनार्दन, मेरे भगवान आपने मुझे आदेश दिया था, ये गलतियों नहीं थी, आपके ही लोकतंत्र के किसी स्तंभ से, किसी माध्यम से इसकी जानकारी मिली, हम इसको सुधारते हैं, न कि आईटी रेड्स डलवा दें,
सीबीआई छापे डलवा दे, तो इससे पत्रकार ईडी के डरे छापे या नहीं डलवा डरे दे। इस तरह की अरे हम कार्रवाई चोर से? हैं इस या तरह की भूखे कार्रवाई हैं, से हेमंत जी लेकिन उत्तर अगर प्रदेश के हम पत्रकार डर गए? सच हैं, सच की आवाज हैं, जी खुदा कहलाओ, भगवान कहलाओ, परमपिता परमेश्वर कहलाओ, हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जी थैंक मैं यू, तो बहुत मुझे शुक्रिया हेमंत जी। इस बात की बड़ी हैरत है। और सुनिएगा, जी, मेरी आवाज आ रही है? हेलो, आ रही आ रही आ रही। हेमंत जी रुकिएगा, मैं आपको आपको वापस कनेक्ट करता हूँ। सूर्य प्रताप सिंह जी मुझे ज्वाइन कर चुके।